गुड मॉर्निंग नर्सरी के बच्चों के इंग्लिश की क्लास में मैं भी आप लोगों के सामने हूँ। आप लोग भी रेडी हो जाइए आज की क्लास के लिए। पिछले क्लासेस में हमने डेज नेम और मंथ नेम देखा था, यानी इसका रिवीजन किया था। आज आगे के स्टेप को देखेंगे, उसका रिवीजन करेंगे फ्रूट्स नेम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फ्रूट्स नेम यानी फलों के नाम। फ्रूट्स नेम में सबसे फर्स्ट में हम क्या सीखते हैं, एप्पल। ए टी पी एल ई, एप्पल मीन सेब। जब हम ए से लेकर जेड तक के वर्ड्स को सीखे थे उसमें हमने सिक्स फ्रूट्स नेम सीखा था। कौन कौन सा? फर्स्ट में एप्पल, ए पी पी एल ई, एप्पल मीन सेब। बिफोर बनाना, बी ए एन एन ए, बनाना मीन केला। फिर जी फॉर ग्रेप्स सीखा था, जी आर ए पी ई एस, ग्रेप्स मीन्स अंगूर। फिर एम एम फॉर मैंगो, एम ए एन जी ओ, मैंगो मीन्स आम। ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज मीन्स संतरा। फिर पीच, P E A C H, पीच मीन्स आड़ू या सतालू। P E A C H, पीच मीन्स सतालू या आड़ू। P for pear, P E A R, pear मीन्स नाशपाती। कोकोनट, C O C O N U T, कोकोनट मीन्स नारियल। पपाया, पी ए पी ए वाई ए, पपाया मीन्स पपीता। डेट, डी ए टी ई, डेट मीन्स खजूर। तो हमने देखा ये 10 फ्रूट्स थे। चलिए इसको देखते हैं मेरे साथ, आप लोग इसको देखिए और रीड कीजिए। ठीक है, 5 टाइम अभी याद हो जाएगा। फर्स्ट में एप्पल, ए पी पी एल ई, एप्पल मीन सेब। 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 बनाना, बी ए एन ए एन ए, बनाना मीन केला। B A N A N A, banana means kela. B A N A N A, banana means kela. B A N A N A, banana means kela. B A N A N A, banana means kela. Grapes, Z R A P E S, grapes means angoor. Z R A P E S, grapes means angoor. Z R A P E S, grapes means angoor. G R A P E S, grapes means अंगूर। G R A P E S, grapes means अंगूर। Mango, M A N G O, mango means आम। 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 अब है orange, O R A N G E, orange means संतरा। O R A N G E, orange means संतरा। O R A N G E, orange means संतरा। O R A N G E, orange means संतरा। O R A N G E, orange means संतरा। अब है peach, P E A C H, peach means आड़ू या सतालू। P E A C H, peach means आड़ू या सतालू। P E A C H, peach means आड़ू या सतालू। P E A C H, पीच मीन्स आड़ू या सतालू। P E A C H, पीच मीन्स सतालू। अब है पियर, P E A R, पियर मीन्स नाशपाती। 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 P E A R, पियर मीन्स नाशपाती।
कोकोनट, सी ओ सी ओ एन यू टी कोकोनट मीन्स नारियल, सी ओ सी ओ एन यू टी कोकोनट मीन्स नारियल, सी ओ सी ओ एन यू टी कोकोनट मीन्स नारियल, सी ओ सी ओ एन यू टी कोकोनट मीन्स नारियल, सी ओ सी ओ एन यू टी कोकोनट मीन्स नारियल, सी ओ सी ओ एन यू टी कोकोनट मीन्स नारियल, सी ओ सी ओ एन यू टी कोकोनट मीन्स नारियल। पपाया पी ए पी ए वाई ए पपाया मीन्स पपीता, पी ए पी ए वाई ए पपाया मीन्स पपीता, पी ए पी ए वाई ए पपाया मीन्स पपीता, पी ए पी ए वाई ए पपाया मीन्स पपीता, पी ए पी ए वाई ए पपाया मीन्स पपीता, पी ए पी ए वाई ए पपाया मीन्स पपीता। अब है डेट, डी ए टी ई डेट मीन्स खजूर, 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 डी ए टी ई डेट मीन्स खजूर। हमने देखा फ्रूट्स में, ठीक है, 10 फ्रूट्स हैं। अब आगे के स्टेप को भी थोड़ा देख लेते हैं, फिर देखेंगे। फ्रूट्स नेम के बाद अब है एनिमल्स नेम, यानी जानवरों के नाम। फ्रूट्स नेम हम सीख चुके थे, बहुत ईजी था, आप लोगों को याद होगा, मैं याद करवा चुकी थी, इसका रिवीजन हमने कर लिया। अब एक बार एनिमल्स नेम देख लेते हैं, ठीक है। एनिमल्स नेम में दो कैटेगरी होता है, फर्स्ट पेट एनिमल यानी पालतू जानवरों के नाम, और दूसरा सेकेंड कैटेगरी क्या है, वाइल्ड एनिमल यानी जंगली जानवरों के नाम, दोनों अलग अलग है। तो चलिए मैं भी आप लोगों को ऐसे ही बतला रही हूँ, उसके बाद हम जानेंगे आगे पेट और वाइल्ड एनिमल्स। शायद हम सीख चुके हैं पिछले क्लासेस में, मैं थोड़ा देख लेती हूँ कि आप लोगों को मैंने क्या क्या बतलाया है, ठीक है। डेज नेम और फ्रूट्स नेम हम सीख चुके थे, फोर सॉरी पार्ट्स ऑफ बॉडी सीखना था हमें, बुक में पार्ट्स ऑफ बॉडी है जो कि मिस हो चुका है, मैं भूल चुकी थी, अभी मैं आप लोगों को बतलाऊंगी पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ बॉडी के बाद फर्स्ट में ही पार्ट्स ऑफ बॉडी सीखना था, फिर डेज नेम मंथ नेम सीखना था, उसके बाद क्या सीखना था, डेज नेम मंथ नेम और फ्रूट्स नेम। मैंने आपको फ्रूट्स नेम शायद नहीं बताया था पिछले क्लासेस में, फ्रूट्स नेम मैं बतलाई थी आप लोगों को, फ्रूट्स नेम के बाद मैं कुछ नहीं बतलाई थी आप लोगों को, ठीक है। बॉडी पार्ट्स और फ्रूट्स नेम, पहले फोर वर्ड कंप्लीट किए थे हम, फिर बॉडी पार्ट्स कंप्लीट किए थे, फिर डेज नेम और मंथ नेम, उसके बाद फ्रूट्स नेम। तो चलिए फ्रूट्स नेम को ही एक बार फिर से देखें, ये आप लोग नहीं जानते हैं, आप लोगों को याद नहीं होगा, इसलिए इसको फिर से देखें, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 5-5 करके आप याद करेंगे। सॉरी मुझे याद नहीं था कि मैंने आपको फ्रूट्स नेम पिछले क्लास में मैं बतलाई थी, बट आप लोग ज़्यादा इसको देखे नहीं हैं, फ्रूट्स नेम बहुत कम ही हुआ है, 2 दिन शायद, 2 या 3 दिन आपको मैं बतलाई थी। चलिए आप इसको अच्छी तरह से फिर से जान लें, चलिए एक बार मेरे साथ फिर से रीड कीजिए सारे फ्रूट्स नेम को, और उसके बाद आप इसको 5-5 करके 2 डेज में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ए पी पी एल एपल मीन सेब, बी ए एल ए एम ए बनाना मीन्स केला, जी आर ए पी ई एस ग्रेप्स मीन्स अंगूर, एम ए एन जी ओ मैंगो मीन्स आम, ओ आर ए एन जी ऑरेंज मीन्स संतरा। तो ये हमारे 5 फ्रूट्स नेम है, जिसको कि हम पिछले क्लासेस में 4 वर्ड्स कंप्लीट करते समय इसको हम जान चुके थे। पी ई एस सी एच पीच मीन्स आड़ू, पी ई आर के मीन्स नाशपाती, सी ओ सी ओ एन यू टी कोकोनट मीन्स नारियल, पी ए पी ए ओ आई ए पपाया मीन्स पपीता, डी ए टी ई डेट मीन्स खजूर। ये हमारे 10 फ्रूट्स नेम है, इसमें भी इस 5 को आप कंप्लीट कर लें, एप्पल बनाना ग्रेप्स
ठीक है, 5 करके 10 का हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो ये फ्रूट्स नेम हमारे हैं, ये 5 इसको हम कंप्लीट करेंगे आज के क्लास में, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास के लिए आप जब इसको याद कर लेंगे तो फिर 5 कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा 10 कंप्लीट हो जाएगा और डिवीजन भी हो जाएगा। एक बार तो हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं स्टॉप करूंगी, मिलेंगे कल के क्लास में। तो बाकी जो 5 फ्रूट्स नेम है उसका रिवीजन कर लेंगे, 10 हो जाएगा, और बॉडी पार्ट्स का पूरे 20 का एक दिन में हम रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं स्टॉप करती हूँ, मिलेंगे अगली क्लास में।